हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, क्योंकि इसको मैंने ऐसी चीज़ों से बनाया है जो कि आजकल जो है हमारे बच्चे जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको आपको किसी न किसी रूप में तो खिलाना ही चाहिए। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसको मैंने किससे बनाया है। ये जो है मैंने घिया लिया है, जो लौकी होती है वो है, और लौकी को मैंने पहले धो लिया अच्छी तरह से। इसको छीलने के बाद में भी एक बार धो लें। और मैंने साथ में गाजर ली है और प्याज लिए हैं। इन सब चीज़ों को हमने जो है छील लें, और उसके बाद में इनको जो है हमने कद्दूकस कर लेना है। पहले मैंने जो लौकी होती है, घिया होता है जो, उसको कद्दूकस कर लिया है। और उसमें कम से कम मैंने इसके अंदर 400 ग्राम घिया डाला है, और साथ में इसमें मैंने एक गाजर डाल दी है, और एक प्याज बड़ा जो है वो मैंने काट के रख लिया है। और फिर इसके बाद में हमने इसके अंदर एक छोटी कटोरी जो है सूजी डाली है। जो सूजी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 100 ग्राम सूजी होगी। और उसके अंदर मैंने 50 ग्राम जो है वो बेसन डाल दिया है, जो ग्राम फ्लोर होता है। उसको डालने के बाद में हमने जो सब्ज़ियाँ कद्दूकस करके रखी हैं वो सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल दी हैं। और इनको डालने के बाद में फिर हमने इसके अंदर जो प्याज मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसके अंदर डालने हैं। तो अब मैं वो प्याज जो है इसमें डाल रही हूँ। और प्याज डालने के बाद में फिर हमने, आपके पास अगर हरा धनिया हो तो आप इसमें थोड़ा हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में थोड़ा धनिया भी डाल दिया है। तो धनिया से भी इसका जो स्वाद होता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये जो घिया होता है वो बच्चे आजकल हमारे जो है कोई भी मतलब घिया खाना पसंद नहीं करता है। आप चाहे उसको जितना मर्जी स्वाद बना लें, तो आप इस तरह से आप बच्चों को घिया खिला सकते हैं, पता भी नहीं चलता कि बच्चे क्या खा रहे हैं। और फिर उसके बाद में इसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ा गर्म मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत जीरा चाहें तो वो डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में हमने जितनी सूजी ली है उतना हमने इसके अंदर डबल उसका पानी डाल देना है। जैसे मैंने जो है एक कटोरी सूजी ली थी, तो मैंने दो कटोरी इसके अंदर पानी डाल दिया है। और खूब सारी जो है सब्ज़ियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं। आप देख रहे हैं कि सारी सिर्फ सब्ज़ियाँ ही नज़र आ रही हैं, और सूजी वगैरह तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। और इसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच जो है वो बेसन डाला है। फिर ये बेसन इनको मिक्स करने के बाद में हमने जो है इसको 15 मिनट के लिए जो है ढक के रख देना है। और फिर जब सूजी हमारी फूल जाएगी तो हमने एक तवा ले लें आप एक, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस बैटर को आप फैला दें, और बैटर को फैलाने के बाद में फिर इसको हमने जो है, उससे पहले आप चाहें, हमारे यहाँ पे तो अलग अलग तरह के खाते, किसी को सेसमे सीड चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो मैं जो है दूसरा जो है उसमें सेसमे सीड डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा जो है ये काला वाला जो राई सरसों होती है वो डाल दिया, और उसके ऊपर से भी हमने जो है बैटर डाल दिया है। और इसको डालने के बाद में इसको आप थोड़ा देख रहे हैं कि आप बैटर जो है इतना गाढ़ा ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो है सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं, और जो सूजी है वो बहुत कम सूजी है, बहुत ज़्यादा सूजी नहीं है। और इनको जो है आप बड़े आराम से इसको आप पलट सकते हैं, बस एक साइड से थोड़ा अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।